कोडरमा जिले के बेहराडीही पंचायत भवन में आयोजित सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन ने पहुंचकर महिलाओं को पोषण युक्त सामग्री के साथ सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों को जिन्हें विद्यालय पैदल जाने में कई किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता था, ऐसे दर्जनों बच्चों को विद्यालय आने जाने के लिए साइकिल का वितरण किया गया। वहीं इस दौरान विद्यालय बेहराडीही में उपायुक्त आदित्य रंजन ने फीता काटकर स्मार्ट क्लास की शुरुआत की, जिससे बच्चों को शिक्षा बेहतर ढंग से मिल सके। वहीं इस दौरान उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेहराडीही हेडमास्टर शिक्षकों ने विद्यालय में भवन कमी से बच्चों को परेशानी को लेकर उपायुक्त से भवन निर्माण की मांग की। मौके पर बेहराडीही मुखिया खुशबू कुमारी, मधुबन मुखिया प्रवीण कुमार, वार्ड पार्षद राजकुमार यादव, महेश वर्मा, हेडमास्टर चेत लाल पंडित सहित शिक्षक मौजूद थे। तो गैप्स है, कमियां है, वो कुछ सरकार दूर करती है, कुछ गैर सरकारी संस्थाएं दूर करती है। तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि का जो लोग उपस्थित हुए, जो साथ ही साथ हैंड इन हैंड इंडिया का जो लगातार जैसा अभी बता रहे थे लोग 209 से ज्यादा साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों को जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका घर जो है हाई स्कूल से दूर है, और सरकार की भी मंशा है कि स्कूल की गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज न किया जाए, जिसके वजह से ये छोटे मोटे स्कूल जो दूर दूर में थे और शिक्षक की कमी की वजह से खराब चले तो उनको मर्ज भी किया गया। तो दोनों सोच को एक साथ चलाना होगा कि तो सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे जा भी सके और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सके। तो हम लोग दोनों पर एक साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एनजीओ का सहयोग सच में काबिले तारीफ है, और इसके आगे भी मैं अपील करूंगा कि आगे भी ऐसी कार्यक्रम करते हैं। सर, विद्यालय के जो भवन है उसके चलते बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि भवन की कमी है, जिसके कारण लड़का और लड़कियों को बैठने में परेशानी होती है। ऐसे कई सारे आप यही स्कूल देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारा जनसंख्या है जिसके चलते बच्चों को भी बहुत परेशानी हो रही है। नेशनलाइजेशन कर रहे हैं विद्यालयों का जी, तो इसका भी अभी सर्वे करने के लिए किसी टीम को भेजेंगे देखने के लिए। पहले तो पंचायत भवन में जनरली पंचायत ऑफिस का काम ग्राउंड फ्लोर में चलता है, फर्स्ट फ्लोर तो खाली रहता है और बंद भी रहता है, कई बार ये भी शिकायत आती है। तो अच्छा है, अच्छी जगह पे है, तो मैं चाहूंगा कि एक तो ऊपर वाला कमरा विद्यालय को दे दिया जाए कि कम से कम बच्चे उसमें पढ़ाई कर सके, क्योंकि बच्चे भी इसी पंचायत के हैं जनप्रतिनिधि के लिए भी बहुत अच्छा है। ऊपर का एक कमरा भी तत्काल बोले हैं दे देंगे, साथ ही साथ एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन और सर्वे हम स्कूल का करवा रहे हैं ताकि जरूरत होगी तो हम लोग कमरा भी इसमें निर्माण करने का प्रस्ताव। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।